वैष्णवी इजी लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज मैं ये पोहा मसालेदार बनाऊंगी, बिल्कुल चटपटा, और 10 मिनट में बन के ये तैयार हो जाता है। अगर भूख लगी हो कहीं से देर सवेर आप आए तो इसे झटपट बनाएं, और बिल्कुल टेस्टी और स्वादिष्ट होता है, और 5-7 मिनट में बन जाएगा। सारा सामान तैयार करने में, लेने में 10 मिनट लगेगा। इसके लिए हम एक कटोरी पोहा ले लिए, यानी चिवड़ा 100 ग्राम होगा। इसको हम धो लेंगे, इसको भिगाना नहीं है, जस्ट धोना है, धो के पानी निकाल देना है। मैं बता रही हूँ, इसको इसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो भी निकल जाती है। थोड़ा सा इसे फुलाना है, एक पानी इसे हम और धोएंगे। दो बार में इसे पानी से धो लिए, इसको हम दो बार पानी से धो के छन्नी से छान के पानी निकाल दिए। अब इसे 7-8 मिनट के लिए हम भिगा देंगे, ज़्यादा देर के लिए ना भिगाएं। तो 4 मिनट बाद इसको, 3-4 मिनट बाद, यानी 7-8 मिनट के बीच में एक बार इसे ऐसे चम्मच से खोल दें ताकि ये चिपके ना। तब तक हम इसके मसाले तैयार कर ले रहे हैं। पोहा को हम बीच में खोल दिए थे चम्मच से ऐसे करके। इसे चिवड़ा भी बोलते हैं, कहीं पोहा कहीं चिवड़ा, तो इसे चिवड़ा नाम से पूर्वी यूपी बिहार में चिवड़ा बोलते हैं और पोहा भी बोलते हैं। इसे हम खोल दिए। इसके लिए जो हम सामान लिए हैं, ये कुछ मटर ले लिए हैं थोड़ी सी, आप मूंगफली भी डाल सकते हैं, हरी धनिया की पत्ती कटी हुई, और अदरक, हरी मिर्च है, और ये जीरा है। थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी डालेंगे एक पिंच बहुत थोड़ा सा, नमक, और ये करी पत्ता है। ज़्यादा सामान नहीं लगता इसमें, अगर आप चाहें तो गरम मसाला, लाल मिर्च वगैरह वगैरह डाल सकते हैं, पर इतने से बहुत टेस्टी होता है ये। हम तेल डाल दे रहे हैं, गैस ऑन कर दिए हैं, और कढ़ाई भी हल्की गर्म हो गई है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, थोड़ा गर्म होने देते हैं तेल को। तेल गर्म हो गया, पहले हम इसमें जीरा डाल देते हैं। जीरा थोड़ा चटक गया, अब इसमें हम थोड़ा अदरक डाल देंगे, साथ ही हरी मिर्ची डाल देंगे। आप चाहें तो लहसुन प्याज डाल सकते हैं, हम लहसुन प्याज आज नहीं यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा इसका कलर ब्राउन होने देते हैं। ये हरी मटर है, डाल देंगे। इसे उबाले नहीं है, इसी में पक जाएगा अभी। तो आप चाहे तो रोस्ट रोस्ट करके मूंगफली भी डाल सकते हैं। इसे थोड़ा हम भून ले रहे हैं तेल में, इसे तेल में भून ले रहे हैं थोड़ा। ये कड़ी पत्ता जो है तड़के के लिए पड़ता है, हम भूल गए डालने को, इसलिए साइड में तेल है, इसको डाल दे रहे हैं। थोड़ा सा ये पक जाने देते हैं, इसको साइड में पक जाएगा। करी पत्ता भी पक गया, थोड़ा सा भून लिए मटर भी। एक पिंच ये डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा पोहे में कलर आने के लिए, चिवड़ा में थोड़ा सा भूनेंगे हल्दी के साथ, और ये धनिया पाउडर आप चाहें तो डालें। इसे भून लेंगे थोड़ा सा। ये मटर के दाने कच्चे हैं इसलिए हम इसमें इतना पानी डाल देंगे। और हल्का सा इसमें हम नमक डाल देंगे जिससे मटर जल्दी से पक जाए। थोड़ी सी गैस कम कर देंगे, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, नहीं तो जल्दी से पानी जल जाएगा। इसे ढक के करीब 2-3 मिनट पकाएंगे, मटर पक जाए लगभग 3 मिनट, तब देखते हैं। अब चेक कर लेते हैं मटर पकी गई है। 3 मिनट के लिए ढके थे, मटर को दबा के देख रहे हैं चम्मच से, मटर पक गई है। आप देख सकते हैं ऐसे दबाने से इसमें दब जा रही है, मसाले भी पक गए हैं। अब हम इसमें पोहा यानी चिवड़ा डाल दे रहे हैं, सारे मसाले तैयार करते तक और मटर पकते तक पोहा एकदम सॉफ्ट हो गया, मुलायम।
अब इसको डाल के इस समय गैस बिल्कुल स्लो रखें, मसाले मिक्स करेंगे। इसमें ज़्यादा हल्दी वगैरह ना डालें, अगर आप चाहें तो लाल मिर्च डालें, ज़्यादा तीखा पसंद करें, नहीं तो हरी मिर्च काफ़ी है। मटर में नमक डाले थे इसलिए आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें। अच्छी तरह से सारे मसाले हम मिक्स कर ले रहे हैं, मसाले मिक्स हो गए। अब इसे हम जस्ट 2 मिनट के लिए ढकेंगे और गैस बिल्कुल लो फ्लेम पे रखें, जिससे जो मसाले हैं आपस में इसकी खुशबू मिक्स हो जाए। खोलते हैं, 2 मिनट हो गया और इसमें थोड़ा सा हरी धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे। गैस ऑफ कर देंगे। अच्छी तरह से झटपट बन गया यह, इसको निकाल ले रहे हैं प्लेट में। थोड़ी सी आप हरी धनिया डालें, अगर आप लाइक करते हो तो। ये एक नींबू है जो हम काट के इसका रस इसमें डालेंगे, आप जितना पसंद करें उतना नींबू डाल लें। आप ये मसालेदार पोहा जरूर बनाएं, कहीं से भूखे प्यासे आते हैं तो पोहे को धो के रख दें, इतने मसाले तैयार करेंगे, कढ़ाई गर्म होगी, इतने में पोहा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। आप जरूर एक बार खाएं, बहुत टेस्टी पोहा है और झटपट बन जाता है। यदि हमारी पोहे की वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक या शेयर जरूर करें, एक कमेंट जरूर करें, ये पोहा अच्छा लगता है आपको कि नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, ताकि जो मैं नई रेसिपी डालूं आप तक आसानी से पहुंच जाए। और मैं भजन भी डालती हूं, आप चाहें तो सुन सकते हैं।